हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चले बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले, ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट था, देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि जो ऋतु है वो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाती है 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, ठीक है। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, तो हमें उसका स्पीड लिखना है रोइंग का स्टील वाटर में कितना था, और स्पीड ऑफ इन करंट वाटर, और करंट वाटर में उसकी स्पीड कितनी थी, हमें ये फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम, पहले तो हमें यह समझना है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है। मान लो जैसे ये रिवर का वाटर इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर का वाटर इधर फ्लो कर रहा है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अब वोट भी हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम होगा। अगर जो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में दोनों में जा रहा था, तो कितना कितना होगा हमें बताना था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट, जो बोट का स्पीड था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, जो बिल्कुल शांत पानी में, उसमें वाटर की स्पीड जो है वो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या मान लिया स्टूडेंट्स, एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड इन, और उसके बाद जो है बोट का एंड, और जो है करंट का स्पीड हम मान लेते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, जो स्पीड ऑफ करंट है वो क्या मान लेते हैं हम, वाई किलोमीटर पर आवर, क्या मान लेते हैं, या बोट का स्पीड स्टील वाटर में एक्स किलोमीटर मान लेते हैं, एंड इन करंट वाटर, करंट वाटर मतलब बहते हुए पानी, उसमें वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट, ठीक है, जो बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट ऐसे लिखना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, जो स्पीड का बोट है वो प्लस में जो इसका करंट का है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर बराबर। और वही अगर जो ये अपस्ट्रीम में जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अगर जो ये ही अपस्ट्रीम में जाएगा स्टूडेंट्स, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो बोट का स्पीड होगा वो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बोट इधर जा रहा होगा, बोट तो मान लो पानी इधर से फ्लो कर रहा है, तो बोट तो इधर जा रहा होगा, तो इधर जाएगा उतना रोकेगा, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर बराबर। आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमें करना क्या था, हमें पूछ रहा, अब एक इक्वेशन पे चलते हैं। देखो अब यहाँ डिस्टेंस कवर्ड इन, पहले देखो ये डिस्टेंस किसमें, डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी कवर करता है स्टूडेंट्स, इन डाउन स्ट्रीम कितना दूरी कवर करता है, तो ये करता है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगाता है 2 घंटा, और इसकी स्पीड क्या था, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू में टाइम, तो स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमारा देखो कितना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना है 20, और इनटू में टाइम कितना है 2, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना था। अब देखो क्या था, अब यहाँ पे अपस्ट्रीम से, अब ये तो डाउन स्ट्रीम में निकाल लिए, अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना दूरी कवर करता था स्टूडेंट, देखो अपस्ट्रीम में कितना कवर करता है, 4 किलोमीटर, कितना कवर करता है 4 किलोमीटर,
ठीक है, डिस्टेंस क्या बनेगा आपका, स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। और टाइम कितना लेता है, टाइम तो टाइम इसमें भी था 2 आवर। और इसका स्पीड क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखो करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो इसका स्पीड देखो क्या था, ठीक है, स्पीड क्या था डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर बराबर। यहाँ से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इंटू में टाइम। स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था ये 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से वाई इलिमिनेशन मेथड से वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x इक्वल टू 40 प्लस 8 क्या होगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 48 अपॉन में 2 मतलब 24, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो स्पीड ऑफ बोट जो स्टील वाटर हम लोग एक्स क्या माने थे, देखो एक्स माने थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, और यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 24 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे मतलब क्या होगा 24 प्लस y इक्वल टू 40, डैट मीन्स y इक्वल टू 40 प्लस 24 है, इधर आके माइनस 24 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गया, देखो 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 16, यानी कि यहाँ पे क्या था स्पीड ऑफ बोट, अब ये निकालना था ना स्पीड ऑफ मूविंग बोट इन स्टील वाटर एंड करेंट वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना था, स्टील वाटर में स्पीड ऑफ बोट कितना था 24 किलोमीटर बराबर, ठीक है। और स्पीड ऑफ, अब देखो जब करेंट वाटर में जितना स्पीड ऑफ यानी कि डाउन स्ट्रीम में होगा ये तो प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो करंट पानी बह रहा था और स्पीड ऑफ द करंट जो वाटर की स्पीड थी वो क्या था वाई किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब जो है उसका तरफ पानी का लहर स्पीड ऑफ करंट वो क्या था वाई मतलब 60 किलोमीटर बराबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपका जो ये क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा कि किस तरह से करना था, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड करेंगे। तो आई होप कि जो ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, अगर जो कुछ क्वेरी डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।